अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आए हैं जैज़ कैश इजी पैसा इजी लोड मोबाइल शॉप पे और जानते हैं इनसे इस कारोबार के बारे में। इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको जैज़ कैश इजी पैसा मोबाइल शॉप के कारोबार के मुतालिक हर किस्म के सवाल का जवाब मिलेगा। किस तरह कितने पैसों से ये कारोबार कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, कितने पैसों से जैज़ कैश इजी पैसा का इंतज़ाम कर सकते हैं और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है इस कारोबार के मुतालिक। तो वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं शॉप के ओनर अब्दुल गनी साहब से और मालूमात लेते हैं हर किस्म की जैज़ कैश इजी पैसा मोबाइल शॉप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं फखर जमाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। हम मौजूद हैं जी भाई अब्दुल गनी मोबाइल शॉप, दुकान का नाम मुजम्मिल मोबाइल शॉप है और इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम आपको इस सेटअप का एक तखमीना बताएंगे कि भाई अगर कोई भी आप में से ये सेटअप लगाना चाहता है मोबाइल शॉप का सेटअप कि जिसके अंदर मोबाइल की एक्सेसरीज और ख़ास तौर पे इजी पैसा जैज़ कैश का काम हो, तो छोटे से छोटा सेटअप कितने का आप लगा सकते हैं और ये आगे बढ़कर कितना बड़ा हो सकता है और इसमें कितना प्रॉफिट है, क्या मालूमात हैं, तो ये सारी तफसील हम अब्दुल गनी साहब से पूछेंगे। तो अब्दुल गनी साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपकी शॉप किस जगह पे है और कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरी शॉप है बहरिया टाउन शेखापुर ए आर स्टूडियो के बिल्कुल सामने शॉप है, ये बहरिया टाउन लाहौर वाला जो है उसमें शॉप है। कम से कम मुझे इस काम में मोबाइल शॉप में इसमें तकरीबन 10 साल हो चुके हैं इस काम में। काफ़ी सारी चीज़ें, जो बहुत पुराने दुकानदार हैं या नए दुकानदार हैं उनको मालूमात नहीं है कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कौन कौन से मसले पैदा होते हैं, क्या क्या उसमें डिफाल्टर लोग आपको मिलते हैं, आपकी सिमें ब्लॉक होती हैं, आपके मसले मसाइल काफ़ी सारे हो जाते हैं। उससे एहतियात के मुताबिक ये काम करना पड़ता है, ख़ास तौर से जैज़ कैश इजी पैसे का। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें एक्सेसरी मोबाइल और ये चीज़ें जो हैं वो आपको डिपेंड करता है आपने कौन सी क्वालिटी रखनी है, आपने लोकेशन के मुताबिक क्वालिटी रखनी है। एक आम मेरा जैसा बंदा, आम सा बंदा जिसके पास तकरीबन 1-1.5 लाख है, तो वो ये वाला कारोबार करना चाहता है कि चलो मैं शुरू करूं, ठीक है, तो बाद में जो है वो थोड़ा इसमें बढ़ा लूँगा, तो वो उसको बताए ना कि 1-1.5 लाख में ये कैसे काम चलेगा, कितने की एक्सेसरी लाए और कितने की जो है वो जैज़ कैश इजी पैसा का छोटे लेवल पे काम किस तरह हो सकता है, या इसके लिए ज़्यादा 5-10 लाख की ज़रूरत है, छोटा नहीं काम कर सकते। अच्छा, पहली बात तो ये है, ये जो काम है ये बहुत बड़ा समंदर है, इतना बड़ा समंदर है आप जितना अंदर घुसते जाएंगे आपको समझ नहीं आएगी हमने क्या क्या कुछ करना है क्या नहीं करना। सबसे मेन चीज़ है एहतियात, जैज़ कैश और इजी पैसा में सबसे ज़रूरी एहतियात। उसके बाद अगर आप एक्सेसरी का काम करना चाह रहे हैं उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है लोकेशन पे डिपेंड करता है आप कौन सी लोकेशन पे हैं, सोसाइटी के नज़दीक हैं, किसी गांव में हैं, किसी शहर में हैं, अगर मार्केट के अंदर बैठे हैं, किसी बाज़ार में बैठे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं लोकेशन पे। अगर आपके पास जैसी लोकेशन है उसके हिसाब से आप पैसे लगाएं तो काम इंशाल्लाह लॉस वाला नहीं है, आप जहाँ मर्जी बैठ के काम करें लॉस वाला नहीं है। अगर गांव में बैठे हुए हैं तो आप यानी कि दूर दराज शहर के काफ़ी दूर बैठे हुए हैं, कहीं दूर दराज गांव में बैठे हुए हैं ना, वहाँ आपका एक्सेसरी का अगर खाली एक्सेसरी का काम ही करें ना तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर काम हो जाता है। अगर शहर में बैठे हैं तो शहर में उसके काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, दुकान लेनी है, उसका रेंट, उसकी पगड़ी, अगर उसकी दुकान की जो खूबसूरती है या उसकी जो चीज़ें लगानी है काउंटर वगैरह वो सारी अच्छी होनी चाहिए, अलमारी आपके पास अच्छी होनी चाहिए, काउंटर अच्छा होना चाहिए, उसके बाद सारा निज़ाम होना चाहिए, इंटरनेट के वगैरह का सारा सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद फिर शहर में ये काम चल सकता है, वरना गांव के अंदर गुजारा मुजारा हो सकता है एक्सेसरी। उसके बाद आ जाता है जैज़ कैश और इजी पैसा। जैज़ कैश की आपके पास सिम होनी चाहिए और इजी पैसा की भी सिम होनी चाहिए। इसके लेने के दो तरीके होते हैं, अगर आप लाहौर की लोकेशन में बैठे हैं, बड़े शहर की किसी लोकेशन में बैठे हैं, वहाँ फ्रेंचाइज वालों के साथ रब्ता करें, फ्रेंचाइज वाले जो होते हैं बहुत मुश्किल से सिम देते हैं आपको, और इसकी मालूमात आपको मुझसे भी मिल जाएगी कहाँ से सिम मिलेगी। आप लाहौर से सिम लेके
किसी और शहर में काम करना चाह रहे हैं आपको, वहाँ पे काम आप कर सकते हैं। अगर जैज कैश इजी पैसे का काम करना है, बेशक आपकी सैलरी 1 लाख हो, 50,000 हो या 20,000 हो, मास्टर सेम होना जरूरी है। अगर आप पर्सनल अकाउंट से जैज कैश करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा सैलरी कर लेंगे या 4 दफ़ा कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं उतरेगा। स्टेट बैंक की तरफ से इसकी इजाज़त नहीं है, कोई भी दुकानदार जो जायज का जितनी पैसे के पैसे सेंड करता है, सेंडिंग फीस किसी से नहीं ले सकता। लेकिन बहरहाल खर्चे देखें, दुकान का रेंट देखें, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें देखें, लेना मजबूरी है। अगर नहीं लेंगे तो फिर आप लॉस में, आप उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उससे बेहतर है जो आपने पैसे जायज कैश भेजी पैसे से लगाना वो कहीं और पर लगा। इसके बाद MNB कंपनी वो सिम देती है जायज कैश की, वो आपको लाहौर से ही मिलेगी। तकरीबन मैं लाहौर में हूँ, मुझे लाहौर का ही पता है। अगर किसी को सिम चाहिए मुझसे रब्ता कर सकता है, या आगे सिम आपको मिल सकती है, मास्टर सिम आपको मिल सकती है, अपनी शॉप के नाम से आप सिम ले सकते हैं। उसके बाद आप वो सिम, इसके लिए आपको इस वीडियो के अंदर जो है ना कमेंट करना पड़ेगा, अगर आपने ये काम शुरू करना है तो आपको मास्टर सिम मुहैया कर दी जाएगी। मास्टर सिम उसको बोलते हैं जो फ्रेंचाइज से मिलती है जैज गैस, उसका कोड भी अलग होता है आम नॉर्मल अकाउंट से उसका। उसकी लिमिट होती है 1 करोड़ तक लिमिट होती है, आप एक माह महीने की तकरीबन 1 करोड़ लिमिट होती है, आप सेंडिंग कर सकते हैं 1 करोड़ तक सेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद इजी पैसा की सिम होती है, इजी पैसा की सिम भी आप ले सकते हैं MNB वालों से, फ्रेंचाइज वालों से, वो मिल जाती है आसानी से। उसका भी काम यही है, वो भी सिम मिल जाएगी यहाँ लाहौर से, आप वहाँ बैठ के चला सकते हैं। तो मुख्तसरन हम बात यही करें कि अगर आपने एक छोटा सा सेटअप बनाना है, पैसों के हिसाब से ये जितने पैसे डालते जाएंगे उतना बड़ा सेटअप बनता जाएगा, लेकिन आपने अपनी लोकेशन के हिसाब पे इस पे खर्च करना है, ठीक है। अगर आपकी लोकेशन में है कि आप रोजाना का 50,000 सेंडिंग करते हैं, 50,000 सेंडिंग करते हैं, 20,000 जो है वो रिसीविंग करते हैं, या 50-50,000 दोनों करते हैं, तो ये आप अपनी जो है ना वो मार्केट के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से आप जैज क्रश और इजी पैसा का सेटअप कर सकते हैं। जैसे सेटअप करना है वो आप भाई ने आपको बता दिया है कि टिल ID बना लें, या आपको जो है ना वो इसमें प्रॉपर काम करने के लिए इजी पैसा और जैज कैश की मास्टर सिमें लेनी पड़ेंगी। मास्टर सिमों की मालूमात आपको दे दी है कि उसकी जो है वो लिमिट नहीं होती, जितनी मर्जी सेंड रिसीव कर लें, ठीक है। और उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो अंदर की बातें, वो अगर आपने लेनी हो तो कमेंट कर दे, वो भाई आपको मुकम्मल रहनुमाई कर देंगे। इसी तरह जब हम बात करें एसेसरी की, तो एसेसरी के अंदर आप जो है वो भी मार्केट के हिसाब से 50,000 की ले आए एक दफा, जब सेल हो जाए फिर ज्यादा ले आए, पैसे ज्यादा हैं तो ज्यादा ले आए। जो रनिंग आइटम है ना, जैसे हैंड फ्री है, चार्जर है, जो चार्जर चल रहा है आपकी मार्केट में वो ले आए, हैंड फ्री ले आए। और इसी तरह ये हैंड फ्री और चार्जर के अलावा जो है ना वो इतना कोई खास नहीं है, केबल वगैरह ज्यादा चलती है, तो ये चीजें आपने रखनी है। और अदरगनी साहब एक चीज और मैं मालूम करना, इसके लिए क्या प्रॉपर शॉप लेना जरूरी है या कोई और छोटा सेटअप भी आप बता सकते हैं? बात वही आ गई लोकेशन की, आपने देखना जहाँ पे ज्यादा रश होता है, या जिस मार्केट में ज्यादा रश होता है, या जो आपने लोकेशन देखनी है, या जगह देखनी है, गांव देखना, बाजार देखना है, कोई ऐसी चीज जगह डिसाइड करे जहाँ पे अगर आपको शॉप नहीं मिलती, अगर शॉप वाले से बात हो जाती है, आम आपको काउंटर मिल जाता है शीशे का, ओप्पो का, वीवो का, अगर वो मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अगर वो ना मिले तो कोई काउंटर आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपकी एसेसरी वगैरह बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा चीज ये डाटा केबल हो गई, हैंड फ्री हो गई, और आपके पास नॉर्मल केबल भी होनी चाहिए, अच्छी केबल भी होनी चाहिए। आपके पास कस्टमर 100 वाला भी आएगा, आपके पास कस्टमर 500 वाला भी आएगा, आपने डाटा केबल 500 वाली, 300 वाली, 200 वाली, 250 वाली आपने रखनी है। AMB की तकरीबन 160-170 की मिलती है, आराम से 300-350 की सेल हो जाती है। आप नॉर्मल केबल लेंगे 60 रुपए की, 70 रुपए की, ज्यादा 90 रुपए की मिल जाएगी। और कोशिश करें लाड की केबल लाएं, लाड की केबल सस्ती होती है, एक फास्ट होती है, एक वो बहुत अच्छी केबल होती है, उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, काफी सारे मोबाइलों को लग जाती है। ये 2 केबलें आराम से ले आए, उसके बाद हैंड फ्री ले आए, 2 हैंड फ्री ले आए, एक ले आए 50-60 रुपए की मिलती है आपको, पैकिंग वन से मिल जाएगी, हार रोड से ही पैकिंग मिल जाएगी। मेरे ख्याल से हार रोड कम लाहौर में सबसे सस्ता बाजार है लाहौर के मुताबिक, वहां से आप लें, बाजार से वहीं पैकिंग लें, इसकी पैकिंग लें, पैकिंग करके आप बेचेंगे, वो थोड़े से 10 रुपए की पैकिंग बढ़ गई, 7 रुपए की बढ़ जाएगी या 10 रुपए की बढ़ जाएगी, वो सेल हो जाएगी आराम से आपकी 200 की सेल हो जाएगी। हैंड फ्री आपके पास अच्छी भी होनी चाहिए, जो आप कम से कम 350 तक, बूफर अच्छा होना चाहिए। अब गाँव कस्बों में अगर किसी गाँव में आप हैं तो वहाँ पे आपके पास होना चाहिए डाटा केबल, लाड़की होनी चाहिए,
चार्जर भी ज्यादा लाट गए होने चाहिए, उसके मुताबिक आप वहाँ किसी को एक दफा आप चार्जर देंगे वो दोबारा भी लेने आएगा। आप लोकल चार्जर लेने की गलती ना करें, ज्यादा कोशिश करें आपके पास लोकल चार्जर ना हो। लोकल चार्जर एक तो वापसी नहीं होते, दोबारा वो ठीक भी नहीं होते। लाड़ का चार्जर जो होता है वो खराब नहीं होता, आपके पास लाड़ के चार्जर होने। अगर किसी कंपनी के साथ आप काम करते हैं तो कंपनी के चार्जर काफी महंगे होते हैं जो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर किसी शहर में बैठे हैं किसी सोसाइटी के साथ, फिर आप कंपनी के साथ चलें, कंपनी के चार्जर इस्तेमाल करें, बहुत अच्छे होते हैं, रिजल्ट भी अच्छे होते हैं, जल्दी खराब भी नहीं होते हैं। ये एक्सेसरीज की बात हो गई भाई, एक्सेसरी जो है ना वो आपके पास केबल जो डाटा केबल होती है वो, चार्जर और हैंड फ्री, बस यही चीजें हैं ज्यादा चलने वाली, तो आपने यही रखनी है। अब मैंने आप अब्दुल गनी साहब आपकी शॉप पे देखा है कि आपने अपने सेटअप में कोल्ड ड्रिंक्स का काम भी किया हुआ है, तो अगर इस कोल्ड ड्रिंक्स का आपने इसमें काम करना है तो फिर पहले तो हमने ये बात की ना कि आप अपनी शॉप के कोई भी शॉप अगर आपको नहीं मिल रही तो आप किसी शॉप के आगे छोटा सा काउंटर लगा के आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शॉप भी है, पैसा भी ज्यादा है, तो आप इस काम को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी शॉप बड़ी है तो उसमें गर्मियों के अंदर कोल्ड ड्रिंक का काम बेहतरीन आप कर सकते हैं। तो थोड़ा इस बारे में बताएं कि आप कोल्ड ड्रिंक का काम भी कर रहे हैं। मैं जो काम कर रहा हूँ मेरी लोकेशन के हिसाब से, यहाँ कोल्ड ड्रिंक, सिगरेट और बिस्किट, ये तीन चीजें बहुत फास्ट चलती हैं। इसका एक फायदा यह होता है अगर कस्टमर सिगरेट लेना है उसको पता चल गया यहाँ से ये चीजें मिल जाती हैं। एक सिगरेट आइटम ऐसी है किसी शॉप पे हो या लोअर किसी शॉप पे हो, ये दोनों चीजें कमाई नहीं देती लेकिन ये दोनों चीजें कस्टमर लेके आती है। अगर कोई सिगरेट लेने आए उसको मालूम मिल गई यहाँ क्या क्या मिल जाता है, अगर आपने लोड रखा हुआ फिर भी उसको पता चल जाता है यहाँ क्या क्या रखा हुआ। बाकी रहा कि कोल्ड ड्रिंक के लिए आपके पास जब शुरू काम करते हैं आपके पास अपनी ही फ्रिज दो लाजमी होनी चाहिए, एक डीप फ्रीजर होना चाहिए, एक दोनों डीप फ्रीजर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो एक शीशे वाली हो जाए, एक डीप फ्रीजर, जो भी आपको लोकेशन के हिसाब से आपने देखना है आपने कौन कौन से फ्रिज इस्तेमाल करनी है। तो आप कोशिश करें शुरुआत में कंपनी के साथ ही चलें, जितनी जल्दी आप कंपनी के साथ अटैच होते हैं उतनी जल्दी, आजकल तो वैसे ही कंपनी के साथ चलने से कंपनी चीजें देती है। मेन चीज यही चाहिए होती है, फ्रिज चाहिए होती है, जो बंदा अफोर्ड ज्यादा नहीं कर सकता, जितने की वो उसने फ्रिज नहीं लेनी ना उतने का उसने दूसरी चीजें डाल के उससे कमा लेने। और सिगरेट होनी चाहिए और बिस्किट हो, ये तीन आइटम अगर ये काम तीनों मिक्स करने हैं जिसमें लोड वगैरह एक्सेसरी हो और इसमें अगर काम करना है तो इसके साथ ये चीजें ऐड कर लें तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा। यानी कि ये आम चीजें, आम इस्तेमाल की चीजें हैं, जिसने लोड करवाना है वो आपकी शॉप पे आएगा, उसको अगर एक्सेसरीज में से कुछ चाहिए या उसका सिगरेट पीने को दिल कर रहा है या उसका बोतल पीने को दिल कर रहा है या इसी तरह को बिस्किट खाने को दिल कर रहा है, तो वो चीजें सारी आपके पास मौजूद हो, अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आप अपनी शॉप में ये चीजें बढ़ा सकते हैं। तो ये इजी पैसा मोबाइल शॉप के अंदर आप ये चीजें ऐड कर सकते हैं, अपने एक फ्रिज रखें, दो रखें, अपने कस्टमर के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से फ्रिज रखें, आप कोल्ड ड्रिंक का काम करें, सिगरेट का काम करें। अब सिगरेट और लोड जो है ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रॉफिट नहीं है लेकिन कस्टमर तो आता है ना, अब कस्टमर आएगा कोल्ड ड्रिंक पिएगा, कोल्ड ड्रिंक में प्रॉफिट है, एक्सेसरी में प्रॉफिट है, इजी पैसा जायज कैश में प्रॉफिट है, तो ये सारी चीजें कस्टमर को लाने में मदद करती हैं। तो बड़ी मेहरबानी अब्दुल गनी साहब, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना है, और अगर आप इस कारोबार के बारे में कुछ और मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर आप बताइए कि आपको किस तरह की मालूमात चाहिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।